बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको देखते हुए हिंदुस्तान में अब जो आक्रोश है वो लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि इस वक्त हम मंडी हाउस पर मौजूद है। मैं पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर नारी शक्ति, यहाँ पर मार्च निकाला जा रहा है। यहाँ पर अलग अलग जिलों से नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची है, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मैम, आपसे जानते हैं बांग्लादेश में लगातार महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर आज जंतर मंतर पर, मंडी हाउस से लेकर जंतर मंतर तक मार्च निकाला जा रहा है, आपको आप क्या कहना? देखिए, बांग्लादेश में जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उसके अगेंस्ट यहाँ लाखों की तादाद में मंडी हाउस में महिलाएं और पुरुष इकट्ठा हुए हैं। हम ये हिंदुओं पर होने वाला अत्याचार सहन नहीं करेंगे, उनको बंद किया जाए। बांग्लादेश में जो अत्याचार है उसको बंद किया जाए। हिंदुओं पर जो हो रहा है इस समय हर मतलब लाखों की हिंदू इस टाइम जाग चुका है हिंदुस्तान में, लाखों की तादाद में मंडी हाउस में जो हिंदुओं ने प्रूव किया है कि वो जाग चुके हैं, लाखों की तादाद में इकट्ठा होते हैं। थैंक यू। तो बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर जो हजारों लाखों की तादाद में जो महिलाएं हैं वो इस मार्च में पहुंची है। दूसरी तरफ मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची है, बातचीत करते हैं। आप भी यहाँ पर पहुंचे, व्हील चेयर पे हैं, और हालांकि ये मार्च में हजारों नहीं लाखों महिलाएं हैं। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश में जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है वो रुकना चाहिए? रुकना चाहिए भैया, रुकना चाहिए भाई, देश में वो कर ऐसे तो रुकना चाहिए। आप इस मार्च में आए हैं किस लिए? बांग्लादेश के साथ देने का ही, बांग्लादेश के हिंदुओं का साथ देने के लिए। हम देश के सैनिक हैं, हम आज भी वही जज्बा है और आज भी लोहा लेने के लिए हम तैयार हैं। अगर हमको ऑर्डर मिला हम ईट से ईट बजा देंगे बांग्लादेश की। अब कहाँ से नजर करते हैं यहाँ पर हजारों की लाखों की तादाद में ये आए बांग्लादेश करने के लिए, हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इसको रोका जाए। जानते मैं पंजाबी बार दिल्ली से आई हूँ, इतना दुखी कर रखा है, मतलब हमारे हिंदुओं को परेशान कर रखा है। ये तो मतलब हमारे अत्याचार वाली बात हो गई ना। धन्यवाद। महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में और वहाँ पर सरकार है वो भी चुप है। हाँ जी, चुप बैठी है, इसलिए तो हमने मोर्चा निकाला कि उन्होंने अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकाला इस चीज का। बांग्लादेश में जो लड़के के साथ हो रहा है इज्जत, मतलब इज्जत दांव पे लगी हुई है, तो हम इसलिए मोर्चा निकाल रहे कि हमारी इज्जत बन रही है। बहुत हुआ अत्याचार, जब नारी शक्ति सड़क पर उतर आती है तो ये देश के लिए बहुत बड़ा अलार्म है कि नारी शक्ति अगर सड़क पर उतर आई है। आज साडे देश में इन्ना नारियां का इन्ना बुरा हाल हो गया है, असि इन्ने परेशान हो गए हैं। इन्हना नु ए नहीं समझ आती कि जेडी नारी है वो काली दा रूप भी हैगी है। जिस वेले वो अपना रूप दिखाएगी ना तो सारे नु पता चल जाना। आज जेड़ा दूसरे मुल्का विच हो रहा है, साडे मुल्क विच ना होए, दूसरे सारे मुल्का विच शांति रवे, साडा एही आज शांति मार्च हैगा है। लगातार मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर जो हजारों लाखों की तादाद में जो महिलाएं हैं वो मंडी हाउस पर पहुंची है, क्योंकि आज नारी शक्ति जो मार्च है वो यहाँ पर मंडी हाउस से जंतर मंतर निकाला जा रहा है। इस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ आज ये बहुत बड़ा जो मार्च है वो मंडी हाउस से जंतर मंतर से निकाला जा रहा है। साफ तौर पर महिलाओं ने कहा कि बांग्लादेश में जो ये महिलाओं पर और हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसे जल्द से जल्द रोकने की चाहिए और इस पर सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए। कमला प्रसन्न के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब के।